अगर किसी के दिल में दर्द रहता हो कोई हार्ड पेशेंट हो या अल्लाह ना करे किसी के दिल के वाल बंद हो चुके हों तो इसके दो रूहानी इलाज मैं आज करता हूँ एक तो यह कि जिसके दिल में अल्लाह ना करे दर्द है तकलीफ है, दिल घबराता है दिल जिसका कमजोर है तो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद अपना सीधा हाथ दिल पर रख कर सात मरतबा ये दुआ पढ़ी या अल्ला कौनी वक़ल भी या अल्लावनी वक़ल बी या अल्लावी वक़ल बी अल्लाह मुझे और मेरे दिल को क़वाफ़ फरमा हर नमाज के बाद ये दुआ आपने सात मरतबा पढ़नी है अल्लाह की रहमत से ही तला आपके दिल की तकलीफ़ दूर हो जाएगी एक तो ये रूहानी इलाज हुआ दूसरा रूहानी इलाज ये है कि आप दिन में किसी भी वक्त एक सेब लें सेब आपने लेना एप्पिल सेब लें और दिन में किसी भी वक्त आप सुरह यासिन शरीफ एक मरतबा सही तलफ उसके साथ कवायद मखारिज के साथ आप पढ़ कर उस सेब पर आप दम कर दें दम करें अच्छा अब ये एहतियात से रख लें अब क्या करेंगे आप दूसरे दिन सुबह नहार मुँह खाली पेट आपने ये दम किया हुआ सेब खाना है का हसूल शिफा इस अमल को जारी रखिएगा ये दोनों रूहानी राज मैंने आपके सामने बयान किए इन पर अमल कीजिए इन दिल की जो भी तकलीफ हुई अल्लाह ना करे किसी के दिल की शरियाने बंद हैं दिल के वाल बंद हो जाते हैं ना है? या हार्ट पेशेंट होते हैं दिल में तकलीफ तो ये इन दोनों रूहानी इलाज पर आप अमल कीजिएगा ही ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आपके दिल की तमाम बीमारियां तमाम तकलीफें तमाम दर्द इंशाला सवजल खत्म हो जाएंगे इन